एटी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एटी इन्फो चैनल में। आप जो देख रहे हैं एट सी, यही है कोको पेड़। तो चलिए इसको थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको थोड़ा गीला कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ठोस है। जब इसमें हम पानी डालेंगे तब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, और पानी डालने से इसका साइज भी तकरीबन 4 गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ, जितना इस वक्त है उससे 4 गुना बढ़ जाएगा ये। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कोको बीड होती क्या हो, इसको बनाते कैसे हैं। तो आपको बता दूं कि ये कोको बीड बनती है नारियल के छिलके से, जो नारियल का बाहर वाला छिलका होता है रेशेदार बालों से, उसको मशीन से ग्राइंड कर लिया जाता है। उसके बाद में इसको बहुत ही ज़्यादा दबाव कर इसको ठोस बना दिया जाता है, और फिर ये कंप्रेस करके इसको बना देता है, ईंट से बनाई जाती है, उसे कहते हैं कोको बीड। आप देख रहे हैं ना, हम जितना पानी डाल रहे हैं उतना ये पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही है और ये फैलती जा रही है, क्योंकि इसकी जो पानी की अब्जॉर्ब करने की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोको बीड आपका किस काम की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप बीजों से पौधा तैयार करना चाहते हैं, जैसे मिर्च या टमाटर के हो गए या और भी कोई पेड़ हो गए, तो ये धूप में इसको सुखा लीजिएगा और ये